आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज का जो हमारा बीसी सेशन की ट्रेनिंग का आज हमारा छठवां दिन है। तो आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि आज हमारी पढ़ाई का कोई ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज हमको बायोमेट्रिक डिवाइस मिलेगी। तो उसे कैसे काम करना है, आज हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस की ट्रेनिंग होगी। तो आप वीडियो में बने रहिए, किस तरीके से आज हमको डिवाइस मिलती है तो वीडियो को आगे भी देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कुंजी तो आई गई। यहाँ पे सभी लोग अभी कंप्यूटर पर अपना हाथ सेट कर रहे हैं, जिस जिसको नहीं आ पा रहा है। तो हमारा जो फाइनल जो हमारा पेपर होगा वो कंप्यूटर पे ही होगा, ऑनलाइन हो भेज। तो हुआ क्या था, भारत सरकार ने प्रोग्राम बहुत सारे शुरू कर रखे थे उस टाइम पे। तो क्या करने के लिए कि बेरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भी कराता था उन्होंने, बहुत सारे आप देख लेना। और 1999 में जब स्वर्ण ज्योति स्वरोजगार योजना चली थी, फिर बाद में जाके जो NRLM आई थी उसका नाम चेंज हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि योजना क्या होती है ना, उनका नाम चेंज होता रहता है, मगर होती वही है स्वर्ण ज्योति स्वरोजगार योजना। उसके बाद ये NRLM, फिर DNRLM, कुछ साल बाद और चेंज होएगा। सही कह रहा हूँ, क्यों होता है कि ये देखो मिशन है। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि जो भी मिशन होता है, उसके बाद अनीता देवी देवली इसके अलावा जो तहसील रिलेटेड आपके प्रमाण पत्र होते हैं, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा जितने प्रमाण पत्र होते हैं।
हम आपको बता रहे हैं, जैसे विड्रॉल की है, बैलेंस इंक्वायरी का है एंड आपका मिनी स्टेटमेंट का है, पे आउट का हो गया, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगी, पासबुक, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे इस स्क्रीन पे। ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे, आप विड्रॉल वाले पे क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा एक यादगार रहेगा कि हाँ दूसरा मैं आई है। अपने कौन से गीता अधिकारी मैम के कैमरे को देखना। पूजा राकेश कुमार अंजलि भी आ रही है ना, सरोज जोशी तैयार है।